लक्ष्मी विलास बैंक की कहानी। कानून बन गया रखवाले गायब। दोस्तों, सन 2006 से 2015 तक भारतीय बैंकों ने सैकड़ों बीमार उद्योग या स्ट्रेस एसेट्स को हजारों करोड़ के उधार दिए। 2015 में जब रिजर्व बैंक ने स्ट्रेस एसेट्स को उधार देने पे पाबंदी लगाया तो सारे बैंकों के बही खाते की असलियत सामने आ गए। एक ही साल के अंदर बैंक के एनपीए 2,00,000 करोड़ से अधिक पहुंच गया। भारत सरकार ने मुस्तैदी से कई कानून बनाए, जैसे कि बैंकिंग क्षेत्र में सुधार लाने के लिए मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट का मॉडिफिकेशन किया गया और पैन कार्ड और बैंक अकाउंट से जोड़े गए। इसके अलावा बैंक्रप्सी लॉज बनाए गए और 12 शहरों में बैंक्रप्सी कोर्ट्स शुरू किए गए, जो कि बीमार उद्योगों को बेचने में सहायता कर सके और बैंकों के कर्जे कम हो। इस समय करीब 100 साल पुराना तमिलनाडु स्थित लक्ष्मी विलास बैंक 2015-16 में एक अच्छा बैंक कहलाता था। बैंक का व्यापार और मुनाफे दोनों में बढ़ोतरी हुई थी और ग्रॉस एनपीएस 2% से भी कम हो गया था। उस समय बैंक ने रैनबैक्सी से निकाले हुए प्रमोटर मलविंदर सिंह और शिविंदर सिंह द्वारा प्रमोटेड रेलिगेयर फिनवेस्ट को 720 करोड़ का उधार दिया, जो कि झगड़े में पड़ गया और इस कारण दोनों पार्टी ने एक दूसरे के ऊपर धोखेबाजी का इल्ज़ाम लगा के केस कर दिया। लक्ष्मी विलास बैंक की स्थिति धीरे धीरे खराब होने लगी। उस समय सिंगापुर के डीबीएस बैंक ने 2018 में 100 रुपये प्रति शेयर के हिसाब से 50% शेयर खरीदने का एक प्रस्ताव रखा। आरबीआई ने वो प्रस्ताव नामंजूर कर दिया, क्योंकि विदेशी बैंकों का कंट्रोल से वो हिंदुस्तानी बैंकों को बचाना चाहता था। पर बैंक की हालत धीरे धीरे खराब हो गई और 2019 में लक्ष्मी विलास बैंक को आरबीआई ने प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन में ले आया 6 और बैंकों के साथ। पर अगले साल तक कोई करेक्टिव एक्शन भी नहीं हुआ और न ही कोई हिंदुस्तानी खरीदार मिला। पिछले हफ्ते जब बैंक के दो गुटों के शेयर होल्डरों में आपस के झगड़े बढ़े तो आरबीआई मजबूर होकर डीबीएस बैंक के पास फिर गया और उसका मर्जर का प्रपोजल एक्सेप्ट किया। पर इस समय मर्जर हुआ जब इक्विटी शेयर का वैल्यू 10 हो गया था और वो सारे का कोई वैल्यू नहीं रहेगा मर्जर के बाद। डिपॉजिटर्स बच गए, ये बहुत अच्छी बात थी। आरबीआई ने इस समय मुस्तैदी से काम लिया, पर यही अगर 2 साल पहले लेता तो इन्वेस्टर्स भी बच जाते। भारत के कई बैंकों में बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है, क्योंकि ये रेगुलेटर्स, बैंक सुपरवाइजर्स ये मुस्तैदी से काम नहीं ले रहे हैं। कानून तो बन गया है पर कानून के रखवाले गायब हैं। पिछले साल 1,82,000 करोड़ के बैंक फ्रॉड्स हुए, जो कि 1.2% ऑफ जीडीपी था और जो कि उसके पहले के साल के दुगने से ज़्यादा फ्रॉड्स का अमाउंट था। अगर हिंदुस्तानी रेगुलेटर और बैंक सुपरवाइजर्स अच्छे तरह से काम करें तो कानून जो बने हैं उसका फ़ायदा हो।